नमस्ते दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपके स्वागत है। दोस्तों, मैंने कॉमन कार्प, आमूर कार्प, मिरर कार्प, गोल्ड कार्प, गोल्डन कार्प, आप जिस तरह से इस मछली को जानते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस मछली के बारे में आपको दिया। इसमें इस मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने बताया। इसमें मैंने आपको बताया, आपका पास अगर हैचरी नहीं है, आप पॉन्ड में इस मछली को किस तरह से ब्रीडिंग करा सकते हैं वो भी मैंने सिखाया। इसके बाद मैंने इस मछली का फार्मिंग के बारे में बताया, इसका ग्रोथ रेट कितना है इसको बारे में बताया, IMC के साथ इस मछली को कितना मात्रा में पालन किया जा सकता है इसके बारे में बताया, ये मछलियाँ फिश पॉन्ड में कौन से लेयर का मछलियाँ है ये भी बताया, और इस मछली का फिश फीड कराने का तरीका सब कुछ बताया। गाइस, इसके अलावा भी इस मछली का अगर कोई स्पॉन छोड़ना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी, इसको जो छोड़ने के लिए किस तरह का पॉन्ड तैयार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस मछली स्पॉन को किस तरह का खाना देना चाहिए, और ये स्पॉन को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, सबके सब वीडियो मैं बना चुका हूं। तो मेरा मानना है कॉमन कार्प के ऊपर और ज्यादा वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है। अगर कोई किसान भाई इस तरह का मछली का फार्मिंग करना चाहते हैं, तो अगर थोड़ा समय लेके सारा वीडियो देखते हैं, तो उन्हें और किसी जानकारी का जरूरत नहीं होगा, बहुत आसानी से इस वीडियो के थ्रू ही वो इस मछली को फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आगे से कॉमन कार्प के बारे में इस तरह का वीडियो ना आए, लेकिन आमूर कार्प के बारे में एक दो वीडियो आ भी सकता है, तो इसीलिए मैं आगे से इस तरह का वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो जैसे कि जानते हैं, फरवरी महीना से लगभग सीजन स्टार्ट होने लगता है, तो आप जिस तरह से का वीडियो मेरे चैनल पे देखते हैं, बड़ी बड़ी साइज़ का मछलियाँ देखते हैं, सब के सब मछली का ब्रीडिंग यहाँ पे होगा, तो सब के सब ब्रीडिंग का तरीका, तौर तरीका, उसमें बहुत सारा जानकारी होगा और बहुत तरह का टिप्स ट्रिक्स होगा जो आप मेरे चैनल के थ्रू जान पाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑल में सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ एक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हो सके आपका जब जरूरत होगा इस चैनल को, तब आप इसको ढूंढने के आपको मिलने ही मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करना, ये काम नहीं भूलना। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फरवरी महीने से लगभग ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट हो जाता है, इसमें ग्रास कार्प, सिल्वर बिकेट, इस तरह का मछली का ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी आगे से इसको तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा पॉन्ड में मेरे हिसाब से मछली में अंडा भी आ चुका है, लेकिन वेदर काफ़ी ख़राब होने के कारण मैं पॉन्ड को चेक नहीं कर पा रहा हूँ, टेम्परेचर काफ़ी लो है, जिस वजह से नेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नेटिंग करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना दिन में मैं इस मछली को ब्रीडिंग करा पाऊँगा, तो उस दौरान आपको ग्रास कार्प और सिल्वर विकेट, इस तरह का मछली का ब्रीडिंग का वीडियो और इस मछली का फार्मिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और गाइस, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह का जानकारी आपको ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास जितना कमेंट आता है उसी टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ। तो कुछ कॉमेंट्स मेरे पास पहले से आया है और उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि तेलापिया के फिश फार्मिंग के बारे में बताऊँगा, इसमें पंगासियस का फार्मिंग करने का तरीका, कल्चर का तरीका बताऊँगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना दोस्तों, ये इस तरह का वीडियो बन रहा है, तो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह का जानकारी आपको ज़रूरत है, तो भी मैं उसी हिसाब से वीडियो मेक कर सकता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, दादा आप मुझे सीधा ब्रीडिंग सिखा सकते हो या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं सीधा ब्रीडिंग नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि इस जगह में इतना ज़्यादा प्रेशर है काम का, जो मुझे मौका ही नहीं मिलता है। सच बताऊँ तो 24 घंटा में मुझे 2 से 3 घंटा सिर्फ सोने के लिए मिलता है, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, बैठे बैठे कुर्सी में सो जाता हूँ। तो ऐसे हाल में मैं बिल्कुल ही ट्रेनिंग नहीं करा सकता, मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, मछली को ब्रीडिंग कराया जा रहा है, इंजेक्शन किया जा रहा है, तो दिन में लगभग मुझे 500 से लेकर 700 पीस मछली को इंजेक्शन करना होता है। ये काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना, इतना सारा मछली को डोजेस करना, फिर इसे अंडा लो, बच्चा बनाओ, इसको सेलिंग करो, काफ़ी ज़्यादा परेशान मैं रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर भी मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, देता रहता हूँ, तो आगे भी दूंगा। और जो भाई आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन का एक ट्रेनिंग का व्यवस्था कर दूंगा, जिस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं उस वीडियो में दूंगा, ये असल में सबके लिए नहीं होगा, और ये
वीडियोस जो है ना ओपन भी नहीं होगा, जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही देख पाएंगे, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ये इस तरह का वीडियो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सबको देखना का कोई मतलब जानने का कोई मतलब नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन जो जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क ज़रूर कर लेना, तो उस दौरान मैं इसका एक व्यवस्था कर दूंगा जो सीक्रेटली होगा। देखिए सबका अलग अलग ट्रेनिंग का तरीका होता है, सिखाने का तरीका होता है, मेरे पास भी अलग कुछ टिप्स है ट्रिक्स है जो मैं ओपनली सबको नहीं दे सकता, लेकिन दूंगा, ऑनलाइन पे ही रहेगा लेकिन आपको अलग तरह से देखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।